पति पत्नी के बीच का रिश्ता बहुत पवित्र माना गया है। इस रिश्ते से जुड़ी तमाम खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। ज्यादातर खबरें पति पत्नी की लड़ाई झगड़े की होती है, लेकिन कानपुर आउटर के बिल्हौर थाने में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र के गांव बरखिया खंड सजती बादशाहपुर बिल्हौर निवासी पीड़ित मनोज कुमार का है। मनोज कुमार की पत्नी सुशीला करीब एक माह से अधिक समय से घर से लापता है। उसके लापता होने के बाद उसका पति परेशान रहने लगा, तो वही महिला का पति खोजबीन में लग गया। आसपास रिश्तेदार नातेदार में पता लगाया, लेकिन महिला का कुछ भी पता नहीं चला। तो पति ने 30 जून 2022 को थाने पहुंचकर अपनी पत्नी की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी और गांव के जिन लोगों पर शक था उन लोगों का नाम भी पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वहीं मनोज कुमार दिव्यांग व्यक्ति है और चलने में असमर्थ है। वह अपने कदम जमीन पे सही तरीके से नहीं रख पाते। वह थाने और सीओ कार्यालय के चक्कर काट काट के थक चुका है। तो वहीं पीड़ित का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस उससे टकरा रही है। मनोज कुमार को अब उसकी लापता पत्नी के साथ कोई अनहोनी होने का डर सता रहा है। वहीं पीड़ित का कहना है कि जब वह घर जाते हैं तो बच्चों का एक ही सवाल होता है, मम्मी मिली ना। मिलने का जवाब सुनते ही बच्चे रोने लगते हैं और कई दिनों से बिना कुछ खाए पिए ही ऐसे ही सो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। जिसमें उक्त दिव्यांग द्वारा एक शिकायत की गई थी जिसकी जांच पुलिस द्वारा की गई, उसके घर पर पुलिस गई तो इस प्रकरण में ये संज्ञान में आया कि उक्त दिव्यांग द्वारा अपनी पत्नी को घर पर न रखने की भी बात की गई और जो उसको उसकी जो तलाश के बारे में विस्तृत जानकारी करने के लिए उसको थाने पर बुलाया गया, वो थाने पर नहीं आए। इसके बाद उन्होंने एक डाक से और एप्लीकेशन भेजा 3 जुलाई को, जिसके बाद से दो बार पुलिस उनके घर पे गई और लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। जैसे ही संपर्क हो जाता है जो उसमें नियमानुसार विधि कार्रवाई बनती है विधि कार्रवाई की जाएगी। लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर भी आज भी पुलिस उनके घर पर गई है, उनकी तलाश कर रही है।